नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ, और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है, क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी जो कि एक शिव भक्त थे काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूँक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे, और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी तो हम उनकी भक्ति साधनाएँ करते थे, और अन्य भी जितने देवी देवताएँ हैं उनकी भक्ति साधनाएँ पूजा अर्चनाएँ हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ये कन्फ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है, तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने शास्त्र के जो शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या किसी, क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज़ किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोल कर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया, क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ, एक सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सत भक्ति मिल गई हमें, एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज़ जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब थी कि मतलब घर में पाउशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे, तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग
जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीज़ें बैठी हुई थी तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था, जैसे कि मेरी फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे, वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूँक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जब मैं 9th में थी, तब एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी, वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफ़ी ज़्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था, जब डोर खोल के देखो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीज़ें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहाँ पर भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मुझे, मैं जाग रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे, तो जैसे ही वो मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था इतने से डोर में, ना वो डोर ज़्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देख पा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफ़ी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरलाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन पड़ गई थी कि मैं। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय, तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया, मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरु जी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर आज अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने वापस देखी है। बहन जी, देखिए, एक ऐसा दौर है जो बाबाओं को एक ऐसे नज़रिए से देखा जा रहा है कि सबके सब एक जैसा, अगर एक लाइन में खड़े करके देखें सबके बारे में एक ही धारणा बनती है कि सबके सब ढोंगी और पाखंडी है। एक ऐसे वर्तमान दौर में आप संत रामपाल जी महाराज को, अपने गुरु को कहाँ खड़ा पाते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में? एक ऐसे दौर में कि जहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करने जाएं तो देखिए कि कंपैरिजन करो भले, लेकिन एक फैक्ट के साथ में करो, एक प्रूफ के साथ में कंपैरिजन करो, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ कहीं सुनी पे बिलीव करते हैं। अगर कोई बाबा, अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी
जो भी लोग उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं कि वो जेल में है या फिर जिस भी कैटेगरी में उन्हें खड़ा कर रहे हैं, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें किसी भी कैटेगरी में खड़ा करने से पहले एक बार आप उनके एपिसोड्स देखिए, उनके वीडियोस देखिए, जो वो सत्संग करते हैं वो देखिए, और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि वो कौन सी कैटेगरी में खड़े होते हैं। क्योंकि उनकी सत्संग्स में अगर आप देखोगे ना, तो एक भी चीज़ ऐसे मनमाना आचरण टाइप वो कुछ भी नहीं बताते, अपने मन से कोई चीज़ वो नहीं बता रहे, वो हर चीज़ एक बुक, अपने शास्त्रों को खोल के लाइन टू लाइन आपके सामने रीड करके फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और बाकी जितने संत हैं, अगर आप उनके सत्संग एपिसोड्स देख लो, उनके अंदर नाच गाना बजाना ये सारी चीज़ें चालू होती है। तो अब हम भक्त समाज या फिर ये जो समाज है आज का, इतना समझदार तो है, हमें परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहन जी, ऐसा भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आने के लिए न्योता भी दिया और उन्होंने काफ़ी संतों के साथ ज्ञान चर्चा भी की है मीडिया के माध्यम से, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है आपके विचार में? जो वो ज्ञान चर्चा है वो कितनी सार्थक रही और उसका क्या परिणाम निकला? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं ले रहे हम, सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं सभी को आमंत्रण दिया था, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने के लिए आए, अगर वो रियल होते, अगर उनके पास सच में कोई ज्ञान होता ना, तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती। लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ, कोई प्रूफ के साथ, उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर वो क्या डिबेट करते? और इस चक्कर में ये डिबेट ज़्यादा देर तक भी नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या डिबेट करें। आपका मानना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को निरुत्तर किया है, वो भी अपने मन से नहीं, उन्हीं की किताबों से, अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म हैं, अपने ही शास्त्रों को लेके उन्हें निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने काफी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में रहते हुए हो चुका है, कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है, जिनको सर, मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज़्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफ़ी छोटी थी, तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं, तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया, और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया, तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो, लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं, इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियाँ सुख से रह पा रही है, या फिर उनके पिता सुख से हैं, उनके माता पिता सुख से हैं। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है, और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत
बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है हर दूसरा इंसान। किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। अंतिम सवाल, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज वो जिस जगह पे हैं या फिर आप उनको जिस भी कैटेगरी में खड़ा करके आप ये सोचते हो कि हाँ जो बाकी के संत जैसे जेल में हैं या जो भी है, उस आधार से अगर आप देखना देखोगे उन्हें तो शायद आपका ये मनुष्य जन्म जो कि बहुत ही दुर्लभ है ये वेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि आप उन्हें देखने से बेटर हैं, वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो उस बुक को उसके कवर से जज करने से बेटर है कि आप उस बुक के अंदर झांक के देखिए, उसके जितने भी सत्संग हैं एपिसोड्स हैं आप वो देखिए, और ये जो मनुष्य जन्म है ये बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।